अधिक तपत है और उन्नयन के तारे तुमको देख करके हमारे शरीर में आग लग रही है और हमारे नेत्र भी जल रहे हैं। तुमको देख करके हमें बहुत दुख हो रहा है। पहले तो ये योग जो लाए हो, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हो, इसको यहाँ से ले जाओ। अपनो योग साइति धरी राखो, अपनो योग अपनो योग साइति करी राखो, अपनो यहाँ ले तो को डारे, तोरे हित अपने मुख करी हैं, तोरे मीठे ते नहीं खारे, श्री राधा रानी कहती हैं या और भी गोपीजन कहती हैं, तुम अपने योग के इस धन को यहाँ से उठा ले जाओ, सैंत धरी रखो, संभाल करके रखो, यहाँ देने के लिए लाए हो। यहाँ अगर तुम इसको रख भी दोगे तो कौन लेगा, अर्थात तुम्हारे सिद्धांत को कौन मानने वाला है। तुम्हारे कारण से हम अपने मुख को मीठा से तीता नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि हम पहले मिश्री खाती थी और ला करके फिटकरी रख दिया हो, तुम्हारे फिटकरी को ये हमें नहीं खाना है। हम जैसे हैं वैसे छोड़ दो, तुमको बुलाया कौन यहाँ पर। तो आप लोग विरह में मर रही थी, शोक कर रही थी, इसीलिए मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया। नहीं, ले जाओ। कृष्ण यही संदेश दिए ना कि वे चाहते हैं कि हमारा मन उनसे हट जाए, हम उनसे प्रेम ना करें, हम ब्रह्मज्ञानी बन जाएं, योगी बन जाएं, यही चाहते हैं ना, हम उनको भूल जाएं। तो तुम्हारी ये बात यहाँ कोई नहीं लेगा। हम किस से में आनंद मानती हैं, हम भले विरह में हैं लेकिन हमें कृष्ण से ही प्रेम चाहिए और किसी से नहीं। कुछ भी हमारे गिरीवर धर के नाम गुण, हमारे गिरिवर धर के नाम गुण, बसे कान उरवारे, से कान उरवारे, सूरदास हम सब ये एक मत, सूरदास हम सब एक मत, तुम सब खोटे कारे, तुम सब खोटे कारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे। देखो हम गिरवर धर के जो गिरिराज गोवर्धन किए श्याम सुंदर बारे, हम बचपन से ही उनमें हमारा चित्त बसा हुआ है। बिल्कुल छोटे थे तभी से हम उनसे प्रेम करते हैं। हमारे गिरिवर धर के नाम गुण बसे कान उर्वारे, बारे बारे से हैं, बचपन से हैं। और यहाँ पर हम सब एक मत की हैं। ये मत समझो कि कोई गोपी फूट जाएगी और ब्रह्म ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म का भजन करेगी। हम सब एक मत के हैं और बहुत दृढ़ से हैं। ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि इस्कान का कोई भक्त फूट करके इधर बखेड़ा करेगा, दूसरे जगह जाएगा। एक मत के हैं। सूरदास हम सब एक मत के हैं। हमारा मंत्र है महामंत्र
और भजनीय हैं वृंदावनेश श्री कृष्ण, और हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और विधि है जो श्री गोपियों ने अद्भुत भक्ति चलाई है, और इसी ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो नः परम। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। आराध्य हमारे हैं नंद नंदन, कहाँ रहते हैं, कहाँ के कृष्ण आराध्य हैं, तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम है वृंदावन। और हमारे भजन की परिपाटी क्या है, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, ब्रजवधुओं ने ब्रज गोपियों ने जिस पद्धति को चलाया है श्री कृष्ण से प्रेम करने की विधि भक्ति, वो हमारा पंथ है। और श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, गोपियों ने भजन किया है इसमें प्रमाण क्या है, तो श्रीमद् भागवतम हमारा प्रमाण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, उद्देश्य क्या है इस प्रकार से भक्ति करने का, प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण से प्रेम करना, यही परम पुरुषार्थ है। मुक्ति सिद्धि बद्धि पर प्राप्त करना यह पुरुषार्थ नहीं है। प्रेमा पुमर्थो महान, हमारे लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, वही अर्जित करना है। और आपके कोई आचार्य या भगवान क्या सपोर्टर है, हाँ श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का मत है, और इसी मत में न अस्माकम महान आदर, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परम, इसी पंथ में श्री कृष्ण से प्रेम करने के पंथ में श्रीमद् भागवत के अनुसार हम लोगों का परम आदर है। परम आदर सब तरह से, मन से, वाणी से, शरीर से, हम लोग इसी में लगे रहते हैं। गोपियाँ यही कह रही हैं इस पद में कि हमारे गिरिवर धर के नाम गुण बसे कान्ह उर्वार, गिरधारी के नाम रूप गुण बसे हैं हमारे हृदय में, जब बिल्कुल बच्चा थे तब से, जब बहुत काल से प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम तुम्हारे उपदेश से टूटने वाला नहीं है, इतना ये मजबूत है इसकी पकड़। अच्छा ये भी मत सोचो कि इसमें से एक आध गोपी उद्धव का उपदेश सुनेगी और ध्यान चालू करेगी, ऐसा नहीं। सूरदास हम सबे एक मत, एक मत के, जब ऊपर मत बताया गया हम सब एक मत के, और तुम सब खोटे कार्य, और तुम सब बिल्कुल कंडम हो जो ये सिखा रहे हो, आकर के कृष्ण की भक्ति छोड़ करके, प्रेम छोड़ करके हम ध्यान करें, वेद पढ़ें, सोहम फोहम जपें, ये हम नहीं करें, ये सब हम नहीं कर सकते। मेरा कृष्ण से प्रेम है, मरेगी चाहे जिएगी, हमको कोई भी दुख होगा फिर भी हमारे लिए हमारे श्याम सुंदर ही आराध्य, हम पर दया करके कोई मत आवे कि ये सिखाओ ये सिखाओ, मर रहे हैं मरने दो हमको, लेकिन हमको ये बिरह ही अच्छा लगता है, रोती हैं चिल्लाती हैं लेकिन फिर भी कृष्ण से ही प्रेम है, और किसी दूसरे पंथ से, कोई दूसरे मंत्र तंत्र से नहीं। इस वाक्य को भक्तों को अपने लिए बना लेना चाहिए, सूरदास हम सबे एक मत, सभी एक मत के हैं, और तुम लोग कंडम हो, आज यह मत आज वह मत आज ऐसे वैसे, तुम सब खोटे कारे, तुम लोग विचार बदलो। तुम लोगों से तात्पर्य है ये भंवरा फूल पर इधर उधर जाता रहता है, इस फूल पर उस फूल पर इस फूल पर,
कुछ लोग ऐसे हैं, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। किसी व्यक्ति से पूछा गया और गंगा जी के तट पर था, आपका नाम? गंगा दास। और वही व्यक्ति जब जमुना जी के तट पर गया तो आपका नाम? जमुना दास। जिस पंथ में जाए वहीं बस उसी का हो जाना, ये तो बहुत गड़बड़ है। भगवान की भक्ति में रहना चाहिए और भक्ति में भी पंथ में भी श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरोन पर। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आए थे भक्ति सिखाने के लिए, तो उस पंथ के अलावा और कौन पंथ समीचीन हो सकता है? ऐसे चार वैष्णव की परंपरा है। एक परंपरा को शिव जी ने चलाया है, उसी परंपरा में श्रीपाद वल्लभाचार्य आते हैं, और एक को स्वयं श्री जी ने चलाया, श्री संप्रदाय, जिसमें भगवान रामानुजाचार्य आते हैं, और एक को चलाया संकर्षण देव ने, कुमारों को उपदेश दिया, वो भी एक परंपरा है। वही निम्बार्काचार्य जी की परंपरा है। और ब्रह्मा जी ने एक भगवान की उपासना का पथ चलाया, जिसमें श्री नारद जी, भगवान वेदव्यास देव और मध्वाचार्य जाते हैं, और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी। ये परंपरा है। तो सूरदास हम सब एक मत, तुम सब खोटे कार्य। तुम खोटे कार्य इधर उधर घूमते रहो, जिस सत्संग में जाओ वहीं का हो जाओ। और सत्संग नाम है, असत्संग होता है। जहाँ भगवान का नाम नहीं है, गुण नहीं है, उनकी लीला नहीं है, तो वो तो असत्संग है। फिर भी आज कलिकाल में उसको सत्संग कहते हैं। देख, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहे हैं कि भगवान का भजन करना, राम का, हरि का, कृष्ण का भजन करना सत्य है, और सब झूठा है, कैसे? सपना की तरह। सत्य हरि भजन, और निगेटिव भी बोल रहे हैं, जगत सब सपना। और अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे पार्वती, शास्त्र संत तो कहते ही हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कृष्ण का भजन ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठा झमेला है। ये इस बात को समझ करके भगवान की भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।